हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। और मैं आई हुई हूँ अपने गांव में। और यहाँ पे देखो, मैंने बहुत सारी सब्जी यहाँ पे मैंने सब्जियाँ देखी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये सब ग्रीन चिल्ली कितनी ज़्यादा आई हुई है, और ये बहुत तीखी होती है। ये ऊपर की तरफ होती है ना, जो ग्रीन चिल्ली, वो बहुत ज़्यादा तीखी होती है। ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे ग्रीन चिल्ली लग रही है, और करेले भी लग रहे हैं। ये देखो, करेला दिख गया आप लोग को, और इधर भी लग रहा है करेला। ये पैरों के नीचे आ गई है ये वाली वेल, और इसमें काफी सारे करेले आए हुए हैं। और फिर व्हाइट कलर के भी बैंगन है। एक मिनट में दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखो, व्हाइट कलर के यहाँ पे बहुत ज्यादा बैंगन है, और भी है अंदर व्हाइट वाले। और ये तो बहुत बड़ा वाला बैंगन है, इधर छोटे हैं। मैं बड़े दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो कितने सारे बैंगन लगे हुए हैं, और काफी मोटे मोटे और बड़े बड़े बैंगन हैं ये। और ये देखो ग्रीन चिल्ली, हर पौधा पूरा पूरे तरीके से भरा हुआ है चिल्ली से। कितनी ज्यादा ग्रीन चिल्ली है। और ये छत पे तो ऊपर लौकी की बेल है, उस पे भी लौकियां आई हुई हैं। और ये काशी फल की है, दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखो, ये पूरी काशी फल की है। ठीक है, और भी दिखाऊं आप लोग को? ये तो है लहसुन, अभी ये छोटा छोटा है। और ये शायद ये धनिया है। और ये देखो, ये मेथी है। कितनी ज्यादा हो रही है ना मेथी भी, ये सारे में ये सब मेथी है। और ये है काशीफल की बेल, पूरा इस पे काशी फल लगे हुए हैं। और पीछे की साइड भी लंबा वाला जो बैंगन होता है, ये तो इधर गोल है और व्हाइट वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लगे हुए हैं, यहाँ पे तो गोल वाले बैंगन है, और पीछे की साइड पे जो लंबा वाला बैंगन होता है ना, ब्लैक ब्लैक वाला ही जो लंबा वाला होता है, वो वाला बैंगन भी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भरवा बैंगन बनाने के लिए, तो हम लोग तोड़ते हैं बैंगन। और आप लोग, लेकिन भरवा बैंगन के लिए छोटा छोटा बैंगन तोड़ते हैं, तो इसीलिए मैं छोटा वाला बैंगन ही तोड़ूंगी, बड़ा वाला नहीं तोड़ूंगी। और ये वाला किसी के, सॉरी, किसी के पैरों के नीचे आ गया है। मिर्च का पौधा नीचे गिर गया है। छोटे छोटे बैंगन उधर की साइड है, उधर से तोड़ते हैं। नहीं, ये वाला तो वो है, बेकार सा हो रहा। अच्छा, अरे पूरा ये। अच्छा, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये जो बैंगन के पौधे हैं ना, बस ये तीन पौधे हैं, और तीन पौधों पे इतने ज्यादा बैंगन हैं, और ये इतने ज्यादा घना हो गया ना, तीन पौधों ने काफी ज्यादा जगह घेर रखी है। तो आप लोग को दिखाती हूँ, इधर इधर देखो। ये देखो, ये बस तीन पौधे हैं बैंगन के, और तीनों ने पूरा जगह को घेर रखा है। मैं इसका बीज लेके जाऊंगी, और मैं भी अपनी टेरेस पे ये वाला बैंगन लगाऊंगी। किधर की साइड है अब? ये रहे, ये तो बड़े बड़े बैंगन है, इनको नहीं तोड़ रहे।
काफी रहेंगे वैसे, बहुत है इतने सारे। एक और तो चलो, तो ये देखो बैंगन हम लोगों ने तोड़ लिए, थोड़ी सी मैं ग्रीन चिल्ली भी तोड़ लेती हूँ। ये वाली जो ग्रीन चिल्ली है इतनी ज्यादा तीखी होती है ना, बहुत ज्यादा तीखी। और ये देखो बैंगन, घर के और ऑर्गेनिक बैंगन हो तो कितना अच्छा होता है ना, कि हम ऐसा लगता है हम कुछ अच्छा खा रहे हैं, ऑर्गेनिक ना, तो इसमें कोई दवाई लगी हुई है और ये घर के बैंगन है ना। मैं इसका लेकिन बीज लेके जाऊंगी और मैं अपनी टेरिस पे लगाऊंगी, तब मैं आप लोगों को अपनी टेरिस पे दिखाऊंगी ये वाले जो बीज है इसको लगा के, ठीक है। फिलहाल तो हम ये ग्रीन चिल्ली तोड़ लेती हूँ। तो काफ़ी हो गई है ग्रीन चिल्ली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखी होती है, इसीलिए मैं थोड़ा ही तोड़ा है इसमें डालने के लिए। तो अभी चाची जी बनाएंगी मेरी बैंगन, भरमा बैंगन, तो मैंने तोड़े हैं ये भरमा बैंगन और अब मैं जा रही हूँ उनको देने के लिए। तो ये देखो कितनी, और इधर देखो इधर की साइड कितनी ज़्यादा चिल्लियाँ आई हुई हैं। मैं इस ग्रीन चिल्ली का भी बीज लेके जाऊँगी, क्योंकि ये ऊपर आती है और एक दो तीन डाल दो सब्जी में काफ़ी तीखी कर देती है सब्जी को। मैं ये वाला ग्रीन चिल्ली का भी बीज लेके जाने वाली हूँ। और मेरे को सबसे अच्छे तो बैंगन लग रहे हैं, कि बस ये तीन पौधे, मैं तो शॉक्ड हूँ, तीन पौधे लगे हुए हैं और ये तीनों ने ही काफी ज्यादा स्पेस को कवर किया हुआ है और ये तीन ही पौधों से इतने ज्यादा बैंगन आते हैं कि बहुत ज्यादा। अभी तीन चार दिन पहले ही तोड़े हैं और फिर भी अभी काफी मोटे मोटे भी लगे हुए हैं और ये मैंने कुछ अभी तोड़े हैं ये वाले, ठीक है। और ये देखो ये इनका यहाँ पे गाँव में पालक हो रखा है, कितना अच्छा पालक हो रहा है ना, बहुत अच्छा पालक है। और ये वाला इधर जो देखो आप लोग, ये लंबा वाला बैंगन है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, अभी छोटा छोटा लगा हुआ है लेकिन हाँ हर पौधे पे लगा हुआ है। ये देखो लंबे वाले बैंगन है, ये वाले जो बैंगन है उधर भी लगे हुए हैं, देखो हर पौधे पे काफी ज्यादा लग रहे हैं। और मैं इधर भी आप लोग को दिखाती हूँ, ये देखो दिख रहा है आप लोग को, हाँ ये रहे काफी सारे बैंगन लग रहे हैं, इधर भी है, सारी ऑर्गेनिक सब्जियां। ये देखो वाओ है ना, कितने ज्यादा और कितना अच्छे बैंगन है यार। वो बड़ा वाला था और ये वाला जो लंबा वाला होता है ना वो था, मतलब यहाँ पे तीन वैरायटी के बैंगन है, ये सारे इधर की जो वैरायटी है वो लंबे वाले बैंगन की है सारी। दिखाऊं पूरा स्पेस बैंगन का, ये लंबे वाले बैंगन है सारे, यहाँ से और ये वहां तक पूरा लंबा वाला बैंगन है, इतने ज्यादा लगे हुए हैं। और वो है तोरई की बेल, जो कि अब ये सीजन तो तोरई का है नहीं ना, लेकिन मैं इसका बीज लेके जाऊंगी। देखो ऊपर जो सूखी हुई तोरई लटकी हुई है ना, उनका मैं सारा बीज लेके जाने वाली हूँ। और देखो वहां पे भी कितनी बड़ी बड़ी तोरई लगी हुई है, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी लटकी हुई है ना। और ये काशीफल की बेल है और इस पे शायद काशीफल भी लगा हुआ है, मैं दिखाती हूँ आप लोग को। और ये देखो ये यहाँ पे शायद ईख भी बो रखी है, मतलब घर के ये थोड़ा सा पीछे की साइड है, चाहो तो यहाँ पे गन्ने भी तोड़ के खा सकते हैं, मतलब सारा कुछ घर पे ही है। और ये है काशीफल की बेल और शायद इस पे यहाँ लगा भी हुआ है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। लेकिन पता है अभी मतलब ओस है, मतलब गीला गीला हो रहा है सारा, काशीफल लग किधर रहा है, बस तोड़ लिए हैं सारे, एक अभी लगा हुआ है, मैं वही आप लोग के साथ, हाँ ये रहा काशीफल। और यहाँ पे बैंगन भी लग रहा है, बाप रे बाप, ये देखो वाह मेरे को, ये देखो ये कितना बड़ा काशीफल लगा हुआ है यहाँ पे, बाप रे बाप यार। ऑर्गेनिक सब्जियां देख के मेरा तो दिल खुश हो जाता है, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा शौक है गार्डनिंग का और गांव में भी मेरे कितनी ज्यादा सब्जियां लगा रखी हैं। ओ बाप रे बाप, काफी बड़ा है ये।
और ये देखो इधर कितनी सारी लौकियां आ रही हैं। एक तो ये देखो काफी ज्यादा लौकियां आ रही हैं, और छोटी छोटी हैं। एक वो लग रही छोटी सी, और ये देखो काशीफल अभी छोटा है। यहाँ पे तो यार इतनी सब्जियां है, मैं देखते देखते ही देखो उधर कितनी सारी लौकी लग रही, छोटे 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 है ना। देखो उधर कितनी सारी आ रही है, बाप रे बाप। लौकियाँ कम से कम आ रही होंगी इस पे 20-25 लौकी। और ये है मतलब बड़ी करेले की बेल है, तो इस पे तो काफी सारे करेले आ रहे हैं। ये देखो एक ये रहा, और बहुत छोटे छोटे हैं। ये देखो ये भी इधर भी है, ऑर्गेनिक सब्जियाँ। ये देखो काफी ज्यादा करेले हैं। उधर भी एक लग रहा है बेबी करेला।